वामपंथी जनवादी मोर्चा ने नागरिकता संशोधन बिल का किया विरोध, कलेक्टिव पर किया जमकर प्रदर्शन, बिल को वापस लेने की मांग। आज नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कलेक्टिव पर वामपंथी जनवादी मोर्चे में बिल का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग की गई। मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि बिल देश को बांटने का काम कर रहा है, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने का काम कर रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। वो देश को आपस में बांटने की नीति अपना रहा है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बांटना चाहती है। आज ये सरकार इस देश की जन समस्या को दूर नहीं समझने के कारण, नहीं सुलझाने के कारण इस तरह नए 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 कानून लेके आ रही है और लोगों को चैलेंज करती है, दूसरे आपस में पार्टी को चैलेंज करती है ये सुरक्षा बिल वापस ला के। अरे जब तुम्हारे आज तुम्हारे संकट नजर नहीं आएगी, तुम्हारे आज़ादी के नाम तुम्हारा लक्ष्य नजर नहीं था, तुम अंग्रेजों के तुमको संघर्ष नहीं किया, आज़ादी के संघर्ष में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। आज जगह जगह साम्प्रदायिकता फैला रखी है, धर्म के नाम लोगों को बांटना सकता, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग बांटा है। तो हम इस बिल के द्वारा हम अनुरोध करते हैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट महोदय को कि नागरिक सुरक्षा बिल 2019 है वापस लिया जाए और जनता के जो जन मुद्दे हैं उसके मुद्दे सुलझाए जाए। हम अभी ज्ञापन कल महामंत्री राष्ट्रपति महोदय देने जा रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से। हमारे साथी हम देख के आ रहे हैं वामपंथी जनवादी मोर्चा सीपीआई केडी शर्मा जिला अध्यक्ष जिला कमेटी अपने सीपीआई।